कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्योंकि जैसे कि मेरे देखने वालों को पता होगा कि जैनब होम व्लॉग तो हमारा एक चैनल है, और एक और मिसो होम व्लॉग्स भी है, मिसो व्लॉग्स भी है। उस पर मैं स्टिचिंग के आइडियाज़ डालती हूँ आप लोगों के साथ। तो इस बारे में मैं सोच रही थी कि कुछ मैं ड्रेस वगैरह अपने रेडी कर ली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने कुछ प्री फॉल विंटर के और कुछ पार्टी वेयर और मिड सीजन के कुछ ड्रेस मैंने रेडी किए हैं, जो कि मैं दो दो करके आप लोग के साथ अब रेडी किए हैं जो शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको मेरे ये वाला आइडियाज़ पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये नया वाला जो चैनल है ना, इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ये दो सूट रेडी किए हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है, प्री फॉल विंटर के। ये जीन है, ब्रांड उसके हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। और मेरी वीडियो, इसी वीडियो को आप जो थोड़ा सा होगा वो जैनब होम व्लॉग में भी देखेंगे। तो चलें फिर आए वीडियो की तरफ। तो देखें, एक ये है सूट और एक सूट ये है। ये है इसका ट्राउज़र, सिंपल ट्राउज़र। इसको थोड़ा सा मैंने खुला रखा है क्योंकि लॉन्ग शर्ट का फैशन आ गया दोबारा से फिर से। तो ये पैंट ट्राउज़र और ज़रा थोड़ा सा खुला, नॉर्मल पैंट ट्राउज़र से इसका पैंचा 2 इंच खुला है। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने बुकरम पट्टी के साथ फ्रंट पे बेल्ट लगाया और बैक साइड पर प्लास्टिक लगाई है। और ये है ट्राउज़र, ट्राउज़र इसके साथ प्रिंटेड है। और ये है दुपट्टा। दुपट्टा जिस तरह के मैंने आप लोगों के साथ अक्सर मैं शेयर करती हूँ कि लेस लगा के, जो आपके ज़रा थोड़े हैवी दुपट्टे होते हैं, लॉन के हो गए, कॉटन के, कैम्ब्रिक के, जिस तरह के, जिस भी मौसम के हों कपड़े, स्टफ हो जैसा भी, तो इस तरह से अगर आप हल्की सी लेस लगा लेंगे तो ज़रा थोड़ी सी नाइस लुक आ जाती है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में लगाई हुई है, अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो मेरी उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगी दुपट्टा डिज़ाइनिंग की, तो उस पर जाके देख सकते हैं। इस तरह से इसमें ये ब्राउन सा कलर हो रहा था पेयर, तो मैंने इस तरह से लगा दिया। और ये जो थोड़ा सा मेहंदिया सा कलर था, वो थोड़ा सा मैंने कपड़ा बाहर निकाला है। इस तरह से इसका बॉर्डर और ख़ूबसूरत लग रहा है। और ये है इसकी शर्ट, शर्ट की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये है इसका दामन, इस तरह से बॉर्डर साइड से निकले थे, तो वो वाला मैंने यहाँ तक लगा दिया अपने घेरे के चाक का हाफ करके। 14 इंच पे चाक है, तो जहाँ तक पट्टी आई वहीं तक मैंने चार इंच पे पिनटेक्स प्लेट दी है, एक दूसरे के ऊपर, जो थोड़ा सा फासला करके हम पिनटेक्स डालते हैं ना, उस तरह से मैंने डाले। ऊपर ये मैंने पट्टी लगाई और दरमियान में मैंने ये वाली लेस दी। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर बनाया और इन साइड मैंने इसके कुछ नहीं लगाया। ये देखें, सिर्फ ट्राउज़र के साथ वाला कपड़ा लगा दिए और बैक साइड जो है वो मैंने सिंपल प्लेन इधर की, और चौड़ा उसको घेरा जो है वो मैंने चौड़ा ही इसका फोल्ड किया। चौड़ा इसलिए फोल्ड किया कि आजकल ज़रा अच्छा लगता है फ्रंट वाला, थोड़ा सा अगर फॉल में है आपका घेरा तो बैक वाला भी कोशिश करें कि आपका फॉल में ही आना चाहिए। और यह है इसकी नेकलाइन, यह इस पर गले पर मोटिव्स था, इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ इस पर अटैच किया और वी के साथ मैंने बेल लगाया। इसकी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो साथ डाल दूँगी मेकिंग की, अगर बहुत ज़्यादा तफसील शेयर करने लग जाऊँ व्यूवर्स तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये है इसके स्लीव, जो कुछ इस तरह से हैं। बॉर्डर लगाया मैंने और लेस को फ्रंट पे लगाने की बजाय मैंने इस जगह पे लगा दी, जो इसका मरून कपड़ा आ रहा था दुपट्टे के साथ वो मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया। और ये देखें, इस तरह से मैंने फोल्ड कर दी इधर बाजू, ये देखें हल्की सी बेल शेप है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेकिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये लॉन्ग लेंथ कमीज़ है, तकरीबन ये है 45 46 के राउंड अबाउट। और जो नेक्स्ट है, ये है इसका दुपट्टा नेक्स्ट सूट का, ये ब्लैक कलर में है। और इस दुपट्टे की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी मेकिंग, इस तरह से पल्लुओं पे मैंने
इस तरह से डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी कनियों पे बॉर्डर है और पल्लुओं पे डिज़ाइन पैटर्न नहीं था, दरमियान में इस तरह से ही है इसका। इसके साथ मैंने लॉन्ग फ्रॉक बनाई है, जो इसकी जो इसका ये बेल बॉटम है वो मैंने बेल बॉटम बनाया है, सॉरी इसका जो बॉटम है ट्राउज़र उसको मैंने बेल बॉटम वाली शेप दी है, ये देखें बनाया ही बल्कि बेल बॉटम है। और नीचे इसके मैंने लेस लगाई है इस तरह से, बारीक बारीक कॉटन की लेस। आजकल सेम ही कलर की लेसेस और सेम कलर का ही पलटा चल रहा है। इस तरह से सेल्फ प्रिंट है इसका ट्राउज़र का कपड़ा, तो इसको मैंने बेल शेप में, वही मेरा तरीका है जिस तरह मैं सीती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। और इसके साथ लॉन्ग ड्रेस बनाई है मैंने, फ्रॉक टाइप कलियों के बगैर, ये देखिए। इसकी हल्की सी बोट नेक रखी है मैंने, ये देखिए। अब वीडियो में आज मैं अकेली हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने वाली, मेरी बेटी आज बिजी है, साथ नहीं है मेरे। तो ये देखिए इतना घेरा है इसका, जितना ये था काफ़ी खुला और ज़्यादा कपड़ा था, उतना ही मैंने साइड से बॉर्डर उतार के बॉर्डर मैंने नीचे लगा दिया और बॉर्डर के अंदर मैंने एक लेस लगा दी कटाऊ वाली, बहुत ही खूबसूरत सी लेस ये थे। और इसको इसके जो एजेस थे ना, इसको मैंने राउंड करने के लिए काविया के साथ पहले कट किया और फिर काविया के साथ इसको जला दिया कि धागे ना निकले, और वही वाली उसकी डी वाली शेप हो गई। और फ्रॉक को ऊपर फिटिंग दी है मैंने तीन तीन प्रिंटेक्स डाल के, सॉरी तीन नहीं है, दो दो हैं बारीक वाले एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस तरह से। और जो मिडल वाला था इसका, उसको मैंने ओपन करके रखा है हाफ हाफ, इसको मैंने थर्ड हाफ थर्ड इसका मैंने जाक रखा है, बाकी दो हिस्से मैंने इसकी लंबाई के बंद कर दिए। नीचे इस तरह से कपड़ा लगाया है और यहाँ लूप्स लगा के मैंने मरून कलर का एक एक मोती लगा दिया है लूप्स के साथ। और बाजू इसके बिल्कुल मैंने सिंपल फिटिंग वाले रखे हैं, क्योंकि लॉन्ग लेंथ वाली ड्रेस है तो इसके साथ इस तरह के ही अच्छे लगेंगे। तो तस्वीरें मैं इसकी वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप देखिएगा और अपनी राय का इजहार करें। ये देखिए तीन तीन प्रिंटेक्स मैंने डाले, ये मिडल वाला बॉक्स प्लेट डाला है और इसको यहाँ ला के मैंने ख़त्म कर दिया। जितना कपड़ा था सारा इस फ्रॉक के अंदर आ गया, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ और फिटिंग में से बाजू निकल आए बच्ची के, और इतनी प्यारी खूबसूरत सी एक हमारी लॉन्ग ड्रेस रेडी हो गई है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो भी बस पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ओके, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।